Dear students, good morning. I am Sandeep Kaur from GMS Didarpura. आज हम बच्चों पढ़ेंगे 8th क्लास की स्विक्स. स्विक्स में चैप्टर नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग लॉज. तो अंडरस्टैंड आपको पता है बच्चों, अंडरस्टैंड हुआ समझना. तो अंडरस्टैंडिंग लॉज हुआ लॉज को समझना. यू मे बी familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizen do under such circumstances? अब ये क्या बोलते हैं, यू मे बी फेमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट. बोलते हैं लॉ जो है इसका मतलब क्या है, ये लॉ बनाए गए हैं कि एक बंदा जो है उसकी मैरिज किस एज में होनी चाहिए. द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, वो कौन सी एज होगी जिसमें वो पर्सन वोट दे सकता है. तो वो हो गया 18 इयर्स के बाद उसकी मैरिज भी हो सकती है. अगर एक फीमेल है तो उसकी मैरिज, गर्ल की मैरिज 18 इयर्स के बाद और लड़की की 21 इयर्स के बाद. तो वोट कब दे सकते हो, 18 इयर्स के बाद. एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और वो मतलब कि प्रॉपर्टी को खरीद और बेच भी सकते हैं. वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. Do these laws apply to everyone? आप बोलते हैं ये जो पार्लियामेंट में है इन्होंने कुछ नए लॉज बनाया है, क्या ये लॉज हर एक के लिए, मतलब कि हर एक पे लागू होंगे, हर एक इस कानून को अपनाएगा, इस लॉ को अपनाएगा. How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizen do under such circumstances? तो फिर यहाँ पे लिखा है, do laws apply to all? क्या लॉज हर किसी को, किसी पे अप्लाई होते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन ए 10 ईयर जेल सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज कमिटेड. तो बोलते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, वो अपने बच्चे को कहता है कि आप यहाँ से जाओ क्योंकि आपको 10 साल की जेल होने वाली है, जो आपने जुर्म किया है उसके लिए आपको 10 साल की जेल होने वाली है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वेयर राइट? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? तो बोलते हैं क्या आप सोचते हो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था इसका इसकी एक्शन सही थी, क्या इसके बच्चे को जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका बाप क्या एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकली पावरफुल है? लेकिन नहीं, लॉ में हर एक बंदा बराबर है, उसमें चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी मतलब कि अमीर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, लेकिन लॉ सबके लिए बराबर है. द एबो इज ए क्लियर केस ऑफ द वायोलेशन. तो आपको ऊपर ये केस जो है वायोलेशन ऑफ लॉ का क्लियर हो गया. एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, दे देयर फॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. बोलते हैं यूनिट 1 में आपने पढ़ा है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वेयर एग्रीड, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर होते हैं वो एग्री सहमत होते हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं बना सकता है. दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ. वो वही कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लॉ बनाएगा, जो लॉ के रूल होंगे, जो कानून के रूल होंगे, वही एक बंदा अपना सकता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. और इसमें एक मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत जरूरी बात यह है कि हर एक बंदा इंडिपेंडेंट इंडिया में बराबर होगा, ना कोई अमीर है ना कोई
गरीब है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, इसमें हर बंदा एक जैसा है, वो इक्वल है, वो बराबर है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबो द लॉ, नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबो द लॉ। एनी क्राइम और वायोलेशन ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस। बोलते हैं तो जो लॉ है, इस लॉ में मतलब कि कानून में कोई भी बंदा, कोई भी बंदा अपने रिलीजन, कास्ट, जेंडर को चैलेंज नहीं कर सकता है, मतलब कि उसको चेंज नहीं कर सकता है। व्हेन द व्हाट द रूल ऑफ लॉ मींस इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन। बोलते हैं रूल का मतलब होता है, लॉज का मतलब होता है, जो रूल ऑफ लॉज हैं ये हर एक बंदे पे एक जैसे बराबर हैं। एंड नो वन कैन बी अबो द लॉ, और कोई भी इस लॉ के आगे नहीं जाएगा, मतलब कि इसके खिलाफ नहीं जाएगा। ये जो कानून है ये सबके लिए बराबर है। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो नॉर ए वेल्दी पर्सन, चाहे वो कोई अमीर बंदा हो, नॉर इवन द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबो द लॉ। और यहाँ तक कि जो इंडिया का कंट्री का प्रेजिडेंट है वो भी इस कानून के आगे नहीं जा सकता है। एनी क्राइम और वायोलेशन ऑफ लॉ, कोई भी जुर्म या लॉ की खिलाफत करने वाले को मतलब की पुनिशमेंट मिलेगी। एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी स्टेबल, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस। बोलते हैं कि जो इसकी मुखालफत करेगा, जो इसमें कोई क्राइम करेगा, उसको सजा मिलेगी, और सजा सबके लिए एक जैसी होगी, चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो, छोटा हो कि बड़ा हो, सजा सबके लिए बराबर होगी, पनिशमेंट एक जैसी सबको मिलेगी। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या ये हमेशा होता है ऐसा? इन एंशंट इंडिया देयर वेयर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवर लैपिंग लोकल लॉज। बोलते पुराने जमाने में क्या था, देयर वेयर इन न्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। पुराने जमाने में मतलब कि जो लोकल लॉज होते थे, डिफरेंट कम्युनिटीज इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एटोनमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन। इन सम केस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, विच लोअर कास्ट बींग मोर हार्शली पेनलाइज्ड। दीज स्लोली बिगिन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगिन टू फर्दर एवलप ज्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या हो गया, जब ब्रिटिश इंडिया में, जब अंग्रेजों का राज था। तो ये बोलते हैं एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, पुराने जमाने में जो लॉ था वो लोकल लॉज भी थे, इसमें क्या था, ये एक जैसा कानून नहीं था। यहाँ पे अगर दो किस्म के इंसान लोगे आप, तो एक अमीर और एक गरीब, यहाँ पे बंदे का बैकग्राउंड देखकर उसको पनिशमेंट मिलती थी। अगर कि वो वेल्दी पर्सन होगा, अगर कि उसके पास मिसाल के तौर पर वो अमीर है, उसके पास दौलत है, ताकत है, तो इकोनॉमिकली वो, अगर वो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली पावरफुल है, तो उसको क्या होता था, उसको कम सजा मिलती थी, और जो एक गरीब बंदा होता था उसको ज्यादा सजा मिलती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लॉ चेंज होता गया, जबकि ब्रिटिश इंडिया में, जबकि ब्रिटिश का रूल आया, जबकि अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने इस रूल को भी चेंज कर दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना, आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।